आज हम बनाने वाले हैं राजमा मसाला। एकदम सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे और बनने के बाद खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कप राजमा को रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिया था। आप राजमा को 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। अब हम इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने राजमा को अच्छे से साफ़ करके छान लिया है। अब हम इसे उबालेंगे। तो उबालने के लिए हम सबसे पहले राजमा को कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें राजमा के ऊपर तक डालना है। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड किया है। ढक्कन लगाकर हम इसे 3 सीटी तक उबाल लेंगे। यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, तीखे के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भुनी हुई कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी से राजमा में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। आप इसे सरसों के तेल में बनाइएगा। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। मसाले जब अच्छे से चटक जाएंगे, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लहसुन ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इसे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें 4 बड़े प्याज को लंबाई में कट करके डालेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो प्याज ग्रेवी में पकेंगे नहीं, वैसे ही खड़े खड़े रह जाएंगे। इसीलिए हम इसका थोड़ा सा बस कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 3 बड़े टमाटर को मैंने मिक्सी में चलाकर पेस्ट बना लिया था। अब हम इसे चलाते हुए 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे भून लेंगे, ताकि टमाटर का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए टमाटर को भून लिया है। अब हम इसमें जो मसाले का पेस्ट बना के रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर तब तक भूनेंगे, जब तक कि मसालों से तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर मैंने 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मसालों को भून लिया है। 8 मिनट बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया, तो देखिए मसाले एकदम साइड से तेल छोड़ चुके हैं, मतलब मसाले एकदम अच्छे से भून चुके हैं। किसी भी सब्ज़ी में अगर मसाले नहीं भूनते हैं, तो सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पर राजमा ऐड कर देंगे। तो 3 सीटी तक मैंने राजमा को उबाल लिया था। साथ ही हम इसमें 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला लास्ट में डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए हम यहाँ पर गरम मसाला को लास्ट में डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिला देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ढककर अच्छे से भून लेंगे, ताकि राजमा अच्छे से मसालों के साथ भून जाए। तो 4 मिनट बाद मैंने यहाँ पे वापस से ढक्कन हटाया है। तो यहाँ पे राजमा अच्छे से मसालों के साथ में भून चुका है। अच्छे से एक बार हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे राजमा, मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे राजमा अच्छे से गल चुका है, 90% तक राजमा अच्छे से गल चुका है। राजमा ज़्यादा गल जाते हैं तो भी नहीं अच्छी लगती है सब्ज़ी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी जो मैंने राजमा उबालते टाइम पानी इस्तेमाल किया था, वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे, और हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना है। अच्छे से इसे मिला देंगे। साथ ही हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे ढककर 12 से 15 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए राजमा को अच्छे से पकने दिया है मीडियम फ्लेम पर। तो 15 मिनट बाद राजमा एकदम अच्छे से बनकर के तैयार हो चुका है। राजमा जैसे जैसे ठंडी होती है, वैसे वैसे ये और भी गाढ़ी होती जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट बाद की दिखा रही हूँ। 5 मिनट बाद राजमा कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो आप इसे चावल के साथ एकदम अच्छे से सर्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। राधे राधे।